वर्कबुक का है आपको क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 77। इसमें आपको दो लाइन है, दो लाइन है, दो लाइन है आपको। इसमें जो है एक एंगल आपको 100, ये आपको ए, ए हो गया, ये है आपको बी, ए बी लाइन और सी डी लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, और ये आपको है 105 डिग्री। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है ये है आपको ओ। तो अब कह रहा है इसमें कि आपको प्रूव करने के लिए कि ए ओ सी, ये एंगल ए ओ सी और बी ओ डी इक्वल है, ये प्रूव करना है। तो आपको जैसे कि वर्टिकली अपोजिट एंगल प्रूव करने के लिए बताया है, उसी तरह से ये भी जो है सो आपको, जैसे वर्टिकली अपोजिट एंगल आपको प्रूव करने के लिए बताया, उसी तरह से ये भी होगा, ठीक है। तो इसमें जैसे एंगल ए ओ डी, एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी इक्वल टू हो जाएगा आपको 180 डिग्री। ए ओ डी प्लस बी ओ डी 180 डिग्री हो जाएगा। अब ए ओ डी हमें मालूम है 105 डिग्री है, 105 डिग्री। बी ओ डी, बी ओ डी वी डोंट नो, तो बी ओ डी इक्वल टू हो गया 180 डिग्री। अब इससे बी ओ डी इक्वल टू, वन हंड्रेड एट्टी माइनस 105, 180 माइनस 105 हो गया आपको 75 डिग्री, ठीक है। तो ये हो गया आपको 75 डिग्री बी ओ डी। अब यदि ए ओ सी भी हम दिखा दें कि ए ओ सी भी जो है ये 75 डिग्री है, तो दोनों इक्वल हो जाएगा। तो अब कैसे करेंगे, ए ओ सी कैसे फाइंड करेंगे, तो लिखेंगे एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी इक्वल टू 180 डिग्री। हाँ, एक चीज और है, यहाँ पे आपको रीजन जरूर लिखना है, ये लीनियर पेयर से, ये लीनियर पेयर है, इसीलिए ये 180 डिग्री के इक्वल हो गया। लीनियर पेयर है, तो ए ओ सी और ए ओ डी ये भी लीनियर पेयर है, इसीलिए ये जो है सो 180 डिग्री के इक्वल होगा। ठीक है, ए ओ सी और बी ओ डी भी 180 डिग्री के इक्वल हो गया। अब ए ओ सी हमें फाइंड नहीं है, ए ओ सी प्लस ए ओ डी हमें फाइंड है 105 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। इससे ए ओ सी इक्वल टू
180 माइनस 105 डिग्री इक्वल टू 75 डिग्री, ठीक है। तो ये दोनों इससे इक्वेशन वन और इसको मान लेंगे टू, तो फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू AOC इक्वल टू एंगल AOC इक्वल टू एंगल BOD, ठीक है। तो इस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं कि एंगल AOC जो है BOD के इक्वल है। क्वेश्चन नंबर फाइव में आपको राइट द मेजर ऑफ एन एंगल दैट इज इक्वल टू इट्स कम्प्लीमेंट, ठीक है। ऐसे एंगल का मेजरमेंट बताना है जो कि अपने कम्प्लीमेंट के इक्वल है। तो इसमें हम मान लेंगे लेट द, ये आपको फिफ्थ का ए, लेट द एंगल इज, लेट द एंगल इज एक्स डिग्री। तो इसका कंप्लीमेंट जो होगा 90 माइनस एक्स हो जाएगा, कंप्लीमेंट ऑफ कंप्लीमेंट ऑफ एक्स डिग्री इक्वल टू, कंप्लीमेंट ऑफ एक्स डिग्री इक्वल टू 90 माइनस एक्स। अब फ्रॉम क्वेश्चन फ्रॉम क्वेश्चन करा एंगल जो है वो अपने कम्प्लीमेंट के इक्वल है, द एंगल इज इक्वल टू इट्स कम्प्लीमेंट। तो हमने एंगल माना है एक्स और उसका कम्प्लीमेंट कितना हो गया 90 माइनस एक्स। तो ये दोनों इक्वल करा है क्वेश्चन में, ये दोनों इक्वल है तो हमने दोनों को इक्वल कर दिया। अब ये जो एक्स है इसको इधर ट्रांसपोज कर लेंगे, तो एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 90। तो इसमें x प्लस x हो गया आपको 2x इक्वल टू 90 डिग्री, x इक्वल टू 90 अपॉन 2, ये हो गया आपको 45 डिग्री। ठीक है, यानी कि ऐसा एंगल जिसका कंप्लीमेंट जो है उसके इक्वल है वो है 45 डिग्री। ओके, अब उसी तरह से कह रहा है बी में सप्लीमेंट एंगल जो अपने सप्लीमेंट के इक्वल है, तो सेम इसी तरह से होगा, ठीक है। और फिर उसको जैसे हम जहां पे आपको 90 डिग्री है और उसमें जो है सो सप्लीमेंट मान लेंगे, इसमें यहाँ पे 180 डिग्री मान लेंगे और उसको सॉल्व कर लेंगे। जैसे कि आपको सप्लीमेंट में है क्वेश्चन नंबर फाइव का बी में, तो इसमें एंगल मान लेंगे एक्स है, एंगल जो है एक्स मान लेंगे, तो इसका सप्लीमेंट कितना हो जाएगा, सप्लीमेंट्री
एंगल ऑफ एक्स इक्वल टू 180 माइनस एक्स। ठीक है, अब फ्रॉम क्वेश्चन एक्स इक्वल टू 180 माइनस एक्स, ये एक्स को इधर ट्रांसफर कर लेंगे तो एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री, 2x इक्वल टू 180 डिग्री, x इक्वल टू 180 अपॉन 2 90 डिग्री। यानी इसे ये पक्का रहा है क्वेश्चन में कि ऐसा एंगल जो कि अपने सप्लीमेंट के इक्वल होगा तो वो एंगल का मेजरमेंट होगा 90 डिग्री। ठीक है, और ए पार्ट में आपको बताया कि ऐसा एंगल जो अपने कम्प्लीमेंट के इक्वल होगा वो है 45 डिग्री, क्योंकि 45 डिग्री का कम्प्लीमेंट हो जाएगा 90 माइनस 45 यानी 45 डिग्री, तो 45 डिग्री और उसका जो कम्प्लीमेंट होगा वो दोनों इक्वल हो गया। फिर उसी तरह से सप्लीमेंट ऑफ यदि कोई एंगल है वो अपने सप्लीमेंट के इक्वल है तो वो एंगल कौन सा है, वो एंगल है आपको 90 डिग्री, क्योंकि 90 डिग्री का सप्लीमेंट हो जाएगा 180 माइनस 90 यानी कि 90 डिग्री, तो 90 डिग्री जो है सो अपने सप्लीमेंट के इक्वल हो गया।